आप देख सकते हैं मैंने पूरी रात के लिए दाल को भिगो दिया था, ये काफी सॉफ्ट हो गई है। अगर आप पूरी रात के लिए नहीं भिगोना चाहते तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे इसको पानी में सोख करके रखना है। कम से कम आपको इसमें इतना अदरक ऐड कर लेना है, क्योंकि अदरक आपके डाइजेशन को बूस्ट करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को सही करेगा, आपको ब्लॉटिंग की जो समस्या है वो खत्म करता है और वेट लॉस बहुत अच्छे से करता है। और दाल तो प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई है, इससे क्या होगा आपका काफ़ी देर तक टमी भरा हुआ रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। साथ में इसमें एक ग्रीन चिली ऐड कर लेनी है, चुटकी भर हींग आप इसमें ऐड कर लीजिए। आप देख सकते हैं इतना सा बस आपने हींग ऐड करना है, क्योंकि हींग से क्या होता है आपका डाइजेशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है, खाना आपको बहुत जल्दी पच जाता है और वेट लॉस बहुत अच्छे से करता है हींग आपका। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन क्या करती है, आपके डाइजेशन को बूस्ट करती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म करती है, ब्लॉटिंग को खत्म करती है और वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया है। 1 स्पून में जीरा ऐड करूंगी इसमें। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर। आपको रेड चिली पाउडर इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि वो आपका वेट गेन करता है। ज़्यादा तीखा जब आप खाते तो आपके बॉडी में वात का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे कि आपको गठिए और जोड़ों का दर्द होने लगता है। तो ब्लैक पेपर जो होता है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है, जिससे कि आपका जो खून है वो गाढ़ा नहीं होता। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, ताकि इसका बहुत अच्छा बैटर बन जाए। अब आप देख सकते हैं स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी आपको इतनी ही एग्जैक्टली रखनी है बैटर की, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला हो, आपको सेम इस तरीके से इसको रखना है, ताकि इसको बनाने के टाइम भी आपको प्रॉब्लम ना आए। अब इसको बनाने के लिए आपको एक नॉनस्टिक पैन लेना है और उसमें आपको 1 स्पून देसी घी ऐड कर लेना है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बैटर को मैं इसके ऊपर डाल लूँगी। इस बैटर को आपको ज़्यादा नहीं फैलाना है, नॉर्मल रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतला कर लेंगे इसको तो आपको इसको फ्लिप करने में प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से आप इसको राउंड शेप देना चाहें, स्क्वायर देना चाहें, ट्रायंगल देना चाहें, आप कोई भी अपनी शेप के अकॉर्डिंग ये चीला बना सकते हैं। आप चाहें तो उसमें अनियन भी ऐड कर सकते हैं और टमाटो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट अनियन बना रही हूँ उसको। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप इसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये बहुत इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है, जो अगर आप कितना भी लेट हो रहे हो तो आपको ब्रेकफास्ट मिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप उसको टिफ़िन में पैक करके उसको आप दे सकते हो और ख़ुद भी इसको एंजॉय कर सकते हो। तो इसको भी हम इस साइड से पूरा पकने देंगे और स्लाइटली सा घी इसके ऊपर वाली साइड पर भी लगा लेंगे, जिससे कि जब इसको हम फ्लिप करेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। अब ये 1 साइड से बिल्कुल पक चुका है, तो मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये एक साइड से प्रॉपर पक चुका है। अब मैं इसको अदर साइड से इस तरीके से पका लूंगी। अब ये थोड़ा सा यहाँ से प्रॉपर पका नहीं है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। आप ऐसे बीच में चेक करते रहिएगा कि आपका चीला कितना ज़्यादा पक चुका है, क्योंकि हम इसमें घी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप घी ज़्यादा डालते हैं तो वो जल्दी पक जाता है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा कुरकुरा कर सकते हैं, बट ये मेरे लिए इनफ है। तो इसको अब मैं गैस बंद करके एक प्लेट में निकाल लूँगी, देन इसको अब एक दही की बाउल के साथ इंजॉय करूँगी। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दही से खाना पसंद करती हूँ।